शिमला की संजौली मस्जिद के बाद अब मंडी की एक मस्जिद को लेकर भी विवाद हो गया है। इस मस्जिद के सरकारी जमीन पर बने होने का आरोप लगाते हुए आज हजारों लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को छोटी काशी से बाहर किया जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। ये एक नियमित प्रक्रिया होती है, जब हम मूवमेंट्स में होते हैं ना तो कई होती है, प्रक्रिया होती है। अभी सिंगा साहब हमें बता रहे 35 इनके पास, इनका रोज ही प्रदर्शन चला रहता है। आपको इनका कहाँ प्रदर्शन करना है? हमारा ये रणधीर जी भी है, हम भी है, हम सब मूवमेंट्स हैं। हमें FIR का देखिए, हम स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले लोग हैं। मैं और रणधीर जी तो इकट्ठे चुनाव लड़े हैं। ये सिंगा साहब हमारे बहुत ग्रैंड सीनियर होते थे। जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से निकले, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी से भी काफी लोग निकले हैं, सब मूवमेंट से निकले लोग हैं। तो इन चीजों से हमें आगे बढ़कर हिमाचल के सौहार्द के लिए, हिमाचल की शांति के लिए और हिमाचल की जो संस्कृति है भाईचारे की, आपसी प्यार की, उसको बनाए रखना है। इस ये जो हमारी मीटिंग है, इसका मकसद ये है कि हमें आगे शांति बनाए रखना है और इसमें हमारे को सभी पार्टियां सहयोग देती है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आपके दो मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि आज रणधीर शर्मा जी भी आए हैं भाजपा से, तो उसमें ये कहा गया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो भाजपा के राज में हुआ है। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि 2010 के बाद जो कहा जा रहा है कि 2010 से 24 तक जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 2017 के बाद ही हुआ है, उससे पहले किस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं? देखिए, ये चीजें अब अतीत की होती है। जब सर्वदलीय बैठक होगी और मेरी अध्यक्षता में होगी, सब लोगों ने एक सहमति बना ली। अब इन बातों पर तो राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं है। ये राजनीतिक बात है कि किसने की किसने नहीं की, इन बातों पर राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं। अब ये है कि जब उसी समुदाय के लोग अगर आगे हैं तो हमें इस पर आगे बात क्या करनी है। और ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी किसी समुदाय को वो करती है, जब उसके हिसाब से उसे लगता है तो उसकी मदद भी करती है, इसमें क्या बात है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे CPM है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पिछली बात नहीं है, वो सारी अतीत की बातें हैं। अब वर्तमान पर हम सब लोग बैठे ना, हमारी प्रदेशाध्यक्ष बैठे, हम सब लोग बैठकर इस पर बात करें। बैठक आज हुई है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री हैं राज्य के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं इस तरह की बातों पर राजनीतिकरण उनका नहीं होना चाहिए। VD शर्मा शिमला में हमारे सहयोगी मौजूद है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। VD शर्मा जी, आज भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, आज ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, संजौली विवाद, मस्जिद विवाद और अब ये मंडी को लेकर विवाद, क्या है ये पूरा मामला? मैं आपको बताऊं कि संजौली विवाद पर अभी जो पिछले कल एक जो है मोड़ आया था, जिसमें संजौली मस्जिद के इमाम और उनके जो पदाधिकारी एक कमिश्नर को लेटर लिखा था कि अगर ये अवैध है तो या तो हमें छोड़ने का हमें आदेश दिया जाए या फिर इसको सीज एडमिनिस्ट्रेशन या नगर निगम प्रशासन। तो वो मामला आज यहाँ पहुंच गया कि अब सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, अभी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री कर रहे हैं और सारी बातें मीडिया को बता रहे हैं। इस बीच जो है मंडी में भी जो है इसी तरह से एक मस्जिद बनी हुई है सदर मार्केट में, और वहां भी ये कहा गया कि वो भी अवैध है। हालांकि पिछले कल वहां भी मुस्लिम समुदाय के लोग जो मस्जिद में इमाम है और दूसरे लोग ने वहां भी नगर निगम को ये कह दिया कि जो अवैध कब्जा है उसको हम खुद तोड़ रहे हैं, और तोड़ भी गई एक जो थोड़ी भी गई, लेकिन लोग वहां प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं हिंदू समुदाय के लोग कि इस मस्जिद में पूरी तरह से अवैध है और इसको बिल्कुल जो है जीरो लेवल किया जाए, इसको बिल्कुल वहां से निकाल दिया जाए उस जगह से, क्योंकि पूरी तरह से अवैध है। उसको लेकर कॉल थी मंडी में, वहां भी 250 लगी हुई थी, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और पुलिस आप बता रहे हैं कि मार्केट के बीच में ये मस्जिद बनी हुई है और ये कितने वक्त से बनी हुई है, एकाएक इस चीज को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो है जैसे ही शिमला में ये विवाद उठा गया, शिमला के बाद हिमाचल प्रदेश के अलग जगहों में इस तरह की चीजें हो रही है, शिमला के बाद मंडी में भी लोगों को लगा कि यहाँ अवैध कब्जा है, और हालांकि वहां पर भी मामला चल रहा था, कोर्ट में भी चल रहा था मामला, लेकिन उस जगह जो है पर जो जैसे ही
शिमला में मुस्लिम समुदाय के लोग इमाम या दूसरे उनके मस्जिद के जो पदाधिकारी थे या वक्फ बोर्ड के जो पदाधिकारी थे, जैसे ही वो कमिश्नर के पास गए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहना चाहिए प्रदेश के अंदर, उसी तरह से एक मैसेज मंडी में भी गया। हालांकि मंडी में भी एक्शन हुआ, कल एक दीवार गिराई गई, लेकिन वो वहाँ लोग ये जा रहे थे पूरी तरह से मस्जिद वहाँ, क्योंकि पूरा ही अवैध निर्माण वो बता रहे हैं ये पूरी तरह से अवैध है, इसलिए जो है इसको पूरी तरह से वहाँ से हटा दिया जाए। और इसको लेकर प्रदर्शन वहाँ हो रहा था और उसी के चलते जो है पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा और वाटर बिल्कुल हम तस्वीरों में देख रहे हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। मंडी की ये तस्वीरें हैं, इससे पहले संजौली को मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था और आज ये तस्वीरें सामने आई है मंडी से, जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि जो मस्जिद वहां बनी हुई है वो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है, वो अवैध है और प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल उनको तितर बितर करने के लिए किया गया।